हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही, इफ कॉस ए इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टेन ए इज। सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और कॉस ए बोला है मतलब ए राइट एंगल के सामने, तो ए बी सी इसको हमने नाम दे दिया। यहाँ पर कॉस गिवन है हमें, कॉस ही 4/5 और कॉस होता है बीस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब हमारे पास बीस की वैल्यू है 4, हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम पाइथागोरस के थ्योरम से। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर यहाँ पर ये हमें फाइंड करना है, प्लस ए बी 4 का होल स्क्वायर इक्वल ए सी 5 का होल स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर 4 × 4 = 16 इक्वल 5 × 5 = 25। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25, 16 नेगेटिव में जाएगा। बी सी इज इक्वल टू 25 − 16 9, और स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, तो बी सी की वैल्यू आई 3, क्योंकि अंडर रूट 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 3। अब हमें फाइंड करना है टेन ए। टेन ए, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस है 4। 3/4 ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ 2 sec² θ प्लस 2 tan² θ माइनस 9 इज। यहाँ पर अगेन हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है 2, हाइपोटेनस है 3। ट्रायंगल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी, ये राइट एंगल। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की। अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कि ये दोनों साइड प्लस होती है, तो अगर हम इन दोनों साइड से निकालेंगे तो ये दोनों साइड नेगेटिव माइनस होगी, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं। बड़ी जो साइड है वो 3 है, 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 = 4, दोनों को माइनस करा 5। अब ए बी स्क्वायर आया 5, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5, 5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, 2 sec² θ प्लस 2 tan² θ माइनस 9। 2 × sec² θ h/b का होल स्क्वायर प्लस 2, टेन होता है p/b का होल स्क्वायर माइनस 9। 2, अब यहाँ पर h/b, h है 3, b है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 p/b, p आ गया है अंडर रूट 5, p/b अंडर रूट 5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। 2 × 3² = 9 अपॉन में 2² = 4 प्लस 2 × √5 का होल स्क्वायर 5, 2² = 4 माइनस 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 2 × 9 = 18 प्लस 2 × 5 = 10 माइनस। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 × 4 = 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 × 9 = 36 इक्वल 18 + 10 28 − 36/4 इक्वल 28 − 36 − 8/4 4 × 2 = −2 आया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ही, इज tan² 30° प्लस cot² 30° इक्वल टू 10/3। क्या tan² 30° और प्लस करेंगे cot² 30° को तो 10/3 आएगा, तो हम चेक करते हैं। tan 30 होता है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका होल स्क्वायर प्लस cot² 30, cot 30 की वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1² = 1, √3² = 3 प्लस √3² = 3। एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा और 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10/3, हाँ 10/3 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 थे, cot² 30° प्लस cosec 30° प्लस 3 tan² 30° इज इक्वल टू।
कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री, रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 होता है 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 होता है 1 बाय रूट थ्री, इसका होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट थ्री का स्क्वायर 3, ये दोनों कैंसिल, 2 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री विल बी 2 इनटू tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3 होल के अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 वन जा 2 अपॉन में रूट 3 होल के अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 बाय रूट 3 इसे हम लिखेंगे 2 बाय रूट 3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 वन जा 3, 3 माइनस 1 2, 2 बाय 3 आ रहा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, अब रिमेनिंग रह गया 3 बाय रूट 3, 3 बाय रूट 3 मतलब अपॉन में वैल्यू रूट 3 आ रही है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट 3 बाय रूट 3 तो ये हो गया 3 रूट 3 और होल के अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 से 3 कैंसिल रूट 3 बचा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 1060 की वैल्यू होती है रूट 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1060 इक्वल टू रूट 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एक्स टेन 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ पर एक्स है इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय 2 इक्वल साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2 इंटू कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3। यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, x इंटू 1 मतलब x ही रहेगा, 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 बाय 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 थी, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1 बाय 2 देन द वैल्यू ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा इज, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2, अब साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा लेकिन 1 बाय 2 को हम साइन की वैल्यू में लिख सकते हैं, तो साइन 1 बाय 2 कब आता है 30 डिग्री पर, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल अल्फा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, वैसे ही हम कॉस की निकालेंगे, कॉस बीटा इक्वल टू 1 बाय 2, कॉस बीटा इक्वल टू, अब कॉस हाफ कब आता है 60 डिग्री पर, कॉस से कॉस कैंसिल बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री तो ये हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 थे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम जब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 डिग्री से और कहां तक जाती है 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 और 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू होती है 1, मतलब मैक्सिमम कहां तक जाएगी 1, मतलब ऑप्शन हो गया इक्वल टू 1, मोर देन 1 नहीं है ये, लेस देन 1 नहीं है, 1 ही आ रही है तो इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 थे, 9 sec square theta माइनस 9 tan square theta इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर बचेगा sec square theta माइनस tan square theta, अब ये आइडेंटिटी होती है sec square theta माइनस tan square theta होता है 1 तो इसकी प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, 9 into 1 9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 थे, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा इज, जब भी कभी ऐसी वैल्यूज आती है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस टैन थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा, तो हमें रैशनलाइज करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं
वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में वन माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ये माइनस में है तो रैशनलाइज किस में होगा, पॉजिटिव साइन के साथ, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा। यहां रैशनलाइज करेंगे हम तो वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में है वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, तो यहां आइडेंटिटी है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन, और बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से हम स्क्वायर को होल निकाल लेते हैं तो ये बचेगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यूज हो गई, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, वन अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक और कॉस अपॉन साइन थीटा होता है कॉट। अब यहां ऑप्शन में हम चेक करेंगे कॉसेक प्लस कॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।